रायबरेली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। सोनिया के विरोध में बकायदा पोस्टर लगे हैं, राहुल के विरोध में सड़कें धो दी, वो भी गंगा जल से। न्याय यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के विरोध में पोस्टर लगे हैं, जहां से न्याय यात्रा गुजरी वहां गंगा जल से सड़कों को धोया गया है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा टिकट का भी विरोध हुआ है। देखिए, रायबरेली को धोखा और देश को न्याय देने का ठेका, ये लिखा गया है तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है। राज्य ये संगम का गंगा जल, यानी प्रयागराज के त्रिवेणी से गंगा जल लाया गया है और उन सड़कों पर ही गंगा जल धोया गया, उन सड़कों से जहां जहां न्याय यात्रा निकली है। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता ये सड़कों को धो रहे हैं गंगा जल से, क्योंकि यहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है, धोना शुरू हो गया है। सोनिया के विरोध में पोस्टर लगे हैं, राहुल के विरोध में सड़कें धोई गई हैं। न्याय यात्रा के दौरान सोनिया गांधी के विरोध में ये पोस्टर लगे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसा पोस्टर में लिखा है, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रायबरेली को धोखा और देश को न्याय देने का ठेका, वाह भाई वाह। ये पोस्टर लगाए गए, मैं तो उन पोस्टर्स को बस पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। और ये विरोध कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कहीं विरोध में पोस्टर लगे हैं तो कहीं सड़कें धोई गई हैं। संगम के गंगा जल से, यानी ये प्रयागराज से गंगा जल लाया गया है, चूंकि वहीं संगम है, संगम के गंगा जल से सड़कें धोई गई हैं। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहना क्या चाहते हैं, ये क्यों संगम के गंगा जल से सड़कों को धो रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता।